फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम बनानी है। ड्रॉ वेन डायग्राम। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी डैश। और वेन डायग्राम होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। वेन डायग्राम का मतलब है कि हमने कोई भी एक यूनियन सेट ले लिया। यूनियन सेट को हम कैसे लेंगे, एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए जैसे हमने ये बॉक्स ले लिया, इसको हमने यूनियन सेट मान लिया। अब इसके अंदर हमारा एक सेट ए लेना है, इसमें से कुछ एलिमेंट, हमेशा यूनियन सेट में से ही कोई एलिमेंट होता है, सेट जो होता है, ये हमने ए सेट ले लिया। तो अगर हम ए सेट को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा, अगर हमने ए कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो इसको छोड़ के बाहर वाला हो जाएगा ये सारा। और अगर एक सेट और है बी, अब बी अलग भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसे है बी कि दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो ये बी हो गया। तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है तो ये दोनों सेट हो जाएंगे मिला के। अगर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ अंदर का पार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हम वेन डायग्राम में यूनियन सेट बनाते हैं। ये यूनियन सेट हमने ले लिया, एक बॉक्स होता है हमेशा यूनियन सेट। देखिए ये हमने यूनियन सेट है हमारा, इसको यू लिख देंगे हम। अब हमें इसके अंदर एक सेट शो करना है ए, ये सेट हमने ए ले लिया। एक सेट बी शो करना है। अब बी का हमें नहीं पता कि बी अलग है या इसके ऊपर हो सकता है ऐसे, इसका मतलब होता है ये कॉमन एलिमेंट, मतलब कुछ एलिमेंट इनमें कॉमन भी हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं। अब ए और बी हो गए, अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होता है मतलब इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, मतलब ये टोटल और ये टोटल, तो हो गया ए यूनियन बी। अगर हमारे पास सिर्फ ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना होता तो हम इसको डार्क कर देते, लेकिन हमें ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा रिप्रेजेंट करना है। तो मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का जो है ये पार्ट, इन दोनों को छोड़ के बाकी बाहर वाला सारा, क्योंकि डैश आ गया ना, डैश का मतलब होता है इनको छोड़ के बाकी सारे, तो हम इन दोनों को छोड़ के बाकी सेट जो है वो हम डार्क कर देंगे। तो ये हमारा हो जाता है ए यूनियन बी इंटरसेक्ट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है उसका वेन डायग्राम। ये देखिए तो ये हमारा सेट हो गया। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब जो ए का कंप्लीमेंट है और जो बी का कंप्लीमेंट है उनमें क्या कॉमन है। वही चीज हम पहले बनाएंगे। देखिए यूनियन सेट बना लिया, यूनियन सेट हमेशा हम ये बनाते हैं, इसको यू का नाम दे दिया। इसमें हमने दो सेट बना लिए ए और बी। अब देखिए ए डैश क्या होगा, ए डैश हमारा होता है, ये ए सेट है, इसको हम दे देते हैं नाम ए और बी। ये ए सेट है, इस ए सेट को छोड़ के बाकी बाहर का जो पार्ट होगा, आप सिर्फ ए को छोड़िए, ये बाहर का जितना भी है, इधर का पोर्शन, इधर का, इस सेट, इस गोले के बाहर का सारा, वो ए डैश हो गया। और इस गोले के बाहर का सारा वो बी डैश हो गया। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन हमारा जो है ये बाहर का, देखिए इस गोले के बाहर वाले में ये नहीं है और इस गोले के बाहर वाले में ये नहीं है, तो इनका, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारा कॉमन है, दोनों में है ना, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में। ये वाला पोर्शन बाहर का कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो हमारा दोनों को छोड़ के, वो पोर्शन क्या आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब सेम है ये, ऊपर वाले की तरह सेम आएगा, इस क्वेश्चन की तरह ये आ जाएगा। इसको आप नाम दे दीजिए ए और ये हमारा बी हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में शो करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम बनाते हैं, इसका डायग्राम, पहले सबसे यूनियन सेट, इसको यू दे देंगे नाम। इसके अंदर हमने बनाया एक सेट ए और एक सेट बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये ए सेट है,
ये बी सेट है, इनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला। लेकिन हमें अगर खाली ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होता तो हमारा ये आंसर था, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब है इसको छोड़ के बाकी सारा, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया हमने ये आता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारा डार्क करना है, तो हमारा ये आ जाएगा। इस पे नहीं करना आपको सिर्फ, आपका ये पार्ट रह जाएगा इसके अंदर। इसको अगर हम अच्छे से इरेज कर देते हैं, देखिए ये पार्ट हमारा छोड़ देंगे हम बीच में, तो ये हमारे जो सेट हैं ये ए सेट ये बी सेट, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसका था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम सेट बना लेंगे यूनियन सेट, ये तो हो गया यूनियन सेट, इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें दो सेट हमने बना लिए ए और पी, इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर वाला सारा, इस ए का गोला छोड़ के इसके बाहर वाला सारा, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर वाला सारा। तो इसमें देखिए पोर्शन जो कॉमन कौन सा आ रहा है, यूनियन लेना है तो इसमें सारा पोर्शन, इसका बाहर वाला सारा, इसका बाहर वाला सारा, दोनों में क्या चीज है जो कॉमन नहीं है, ये पोर्शन। देखिए ये वाला पार्ट अगर हम ले लेते हैं सारा, और इधर से ये वाला पार्ट सारा ले लेते हैं, तो बचा क्या हमारे पास, तो इसमें देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर इसका जो यूनियन आएगा, ये पोर्शन छोड़ के बाकी सारा आ रहा है, तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे ये सारा। मीन्स इसकी कितना, ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ए डैश में कौन सा पार्ट आएगा, इस गोले को छोड़ के बाहर वाला सारा, और बी डैश में कौन सा आएगा, इस गोले को छोड़ के बाहर वाला सारा। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट है सारा, और इधर से ये पार्ट है सारा, और बाहर वाला भी सारा है, सिर्फ ये नहीं है, तो हमारा ये पोर्शन छोड़ के बाकी सारा डार्क हो जाएगा।